नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्ज्वल मिश्रा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, पहले चरण के चुनाव भी हो चुके हैं। चाय की टपरी हो या फिर पान की दुकान, हर जगह बात सिर्फ चुनावों की हो रही है। नेताओं से ज्यादा चुनाव की बातें जनता कर रही है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसने बदला पाला, किस पार्टी ने किया कौन सा चुनावी वादा, नेताओं की ओर से एक दूसरे पर लगाए जा रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच आइए जानते हैं चुनाव से जुड़ी 20 अप्रैल की वो बड़ी खबरें जिन पर पूरे दिन रही देश की नजर। यूपी में आज कांग्रेस और सपा की प्रदेश में पहली बार संयुक्त सभा शनिवार को अमरोहा के मिनी स्टेडियम में हुई, जहां राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इंडिया प्रत्याशी दानिश अली के लिए प्रचार किया। वहीं मथुरा के वृंदावन में हुई जनसभा में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और सांसद जयंत चौधरी ने बीजेपी सांसद और मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी के लिए वोट मांगे। इस दौरान रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने खुद को हेमा मालिनी का फैन भी बताया और 15 साल पुराना किस्सा भी उन्होंने सुनाया। मैं बचपन से मैं भी हेमा जी का ही फैन था। फिर हेमा जी 2009 में मेरे चुनाव प्रचार में आई, मुझे नहीं मालूम था फिर हम आमने सामने चुनाव लड़ लेंगे। अगला चुनाव आमने सामने लड़ गए, 15 साल हो गए। तो अगर हमारी, मेरी और हेमा जी की कोई पिक्चर बननी थी उसका टाइटल होता 15 साल बाद, क्योंकि अब दोबारा हेमा जी 15 साल पहले मेरे लिए प्रचार करने आई थी। आशीर्वाद आपने भरपूर दिया था, इनका सहयोग मिला था। आज 15 साल बाद मैं इनके लिए मांगने आया हूं, तो मेरे इस उम्मीद पे आपको खड़ा रहना है। मैं आपको वादा करता हूं इस क्षेत्र के लिए हमारी जवाबदेही रहेगी। और हेमा जी, हम और आप कभी आमने सामने अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये भी तय हो गया। इस बार मैं इनके लिए आ रहा हूँ, हो सकता है अगली बार कभी मैं लोकसभा लड़ूं तो आप मेरे लिए प्रचार करने जरूर आओगी, ये भी वादा आपसे लेता हूँ। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक हरि बल्लभ शुक्ला अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। शनिवार को बीजेपी मुख्यालय में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर बीजेपी में नए नेताओं को शामिल कराने वाली समिति के संयोजक नरोत्तम मिश्रा, राज्य मंत्री गोविंद राजपूत और हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले सुरेश पचौरी भी वहां मौजूद थे। इधर अगली खबर पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल के मालदा में सीएम ममता बनर्जी ने मंच पर डांस किया और उन्होंने ड्रम भी बजाया। उन्होंने एक सार्वजनिक रैली के दौरान ऐसा किया, इसका एक वीडियो भी सामने आया है। वहीं मध्य प्रदेश के मुरैना लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिकरवार के भाई नरेंद्र सिंह सिकरवार पर जानलेवा हमले का एक वीडियो सामने आया है। जानकारी के मुताबिक नरेंद्र सिंह सिकरवार शनिवार यानी 20 अप्रैल को चुनावी प्रचार के दौरान जनसंपर्क कर रहे थे। इस दौरान उन पर कई राउंड गोलियां चलाई गईं। वहीं अगली खबर पंजाब से है। बहुजन समाज पार्टी ने पंजाब की 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने फरीदकोट और गुरदासपुर से अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इससे पहले 8 अप्रैल को फिरोजपुर से सुरेंद्र कंबोज को उम्मीदवार बनाया गया था। फरीदकोट और गुरदासपुर सीट पंजाब में काफी अहम मानी जाती है। उधर आम आदमी पार्टी पहले से ही 13 की 13 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतार चुकी है। अगली खबर उत्तर प्रदेश में बसपा को लेकर के है। उत्तर प्रदेश में बसपा को एक बड़ा झटका लगा है। बसपा के आंवला लोकसभा और बरेली लोकसभा के दोनों प्रत्याशियों का नामांकन निरस्त हो गया है। जानकारी के मुताबिक बरेली लोकसभा सीट से बसपा उम्मीदवार छोटे लाल गंगवार के कागजात में पाई गई कमी के कारण जिला निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन निरस्त कर दिया, जबकि आंवला से 2 बसपा प्रत्याशी होने की वजह से आबिद अली का पर्चा निरस्त हो गया। दूसरे प्रत्याशी सत्यवीर सिंह के नामांकन की जाँच चल रही है। बसपा ने उन्हें अपना प्रत्याशी मानने से इनकार कर दिया है, इसलिए उनका भी नामांकन रद्द होना लगभग तय है। इधर केरल में प्रियंका गांधी ने पार्टी प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने कहा हमें जिस नए भारत के बारे में बताया जा रहा है वह ऐसा भारत है जहां ताकत सच्चाई पर हावी रहती है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दरकिनार कर कानून बनाए जाते हैं और इन्हें लोगों पर उनकी इच्छा के विरुद्ध लागू किया जाता है। वहीं अगली खबर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के है। नीतीश कुमार ने कटिहार के डडखोड़ा प्रखंड में आयोजित एक जनसभा में
बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर निजी टिप्पणी की है। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के बहुत सारे बच्चों को लेकर विवादित बयान दे दिया। शनिवार को जेडीयू के प्रत्याशी दुलाल चंद गोस्वामी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने तंज कसा कि लालू राबड़ी को इतने बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए थे, कोई इतना बच्चा पैदा करता है क्या। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने लालू यादव पर मुस्लिमों को छलने का आरोप भी लगाया। आज की चुनावी सुर्खियों में बस इतना ही, मिलेंगे कल फिर चुनाव की बड़ी खबरों के साथ। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।